हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में क्लास 8 चैप्टर एक्सपोनेंट एंड पावर से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन आपके सामने है, एक्स की पावर एम प्लस एन मल्टीप्लाई एक्स की पावर एन प्लस वन मल्टीप्लाई एक्स की पावर एल प्लस एम डिवाइड एक्स की पावर एम मल्टीप्लाई एक्स की पावर एन मल्टीप्लाई एक्स की पावर वन उसकी होल पावर टू। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? हमें पता है कि बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो। ओके, यहाँ पर एक्स और एक्स और एक्स, ओके, बेस सेम है तो बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो तो हम पावर को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। ए की पावर अगर एम है मल्टीप्लाई ए की पावर एन है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड ए की पावर एम प्लस एन। तो एक्स की पावर क्या हो जाएंगी, एम प्लस एन प्लस एन प्लस वन प्लस एल प्लस एम। ओके, डिवाइड में यहाँ पर भी बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड, तो एक्स की पावर एम प्लस एन प्लस वन उसकी होल पावर टू। ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, एक्स एज इट इज रहेगा, एम और एम क्या हो जाएगा, टू एम प्लस एन प्लस एन टू एन प्लस एल प्लस वन। ओके, डिवाइड में यहाँ पर अगर ऐसा हो कि a की पावर m है उसकी होल पावर n है तो पावर को हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई a की पावर m n। ओके, तो यहाँ पर 2 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे m प्लस n प्लस 1 से। ओके, तो x की पावर क्या हो जाएंगी, 2 को जब m से मल्टीप्लाई करेंगे 2m प्लस 2 को n से मल्टीप्लाई करेंगे 2n प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2। ओके, नेक्स्ट स्टेप में अगर बेस सेम हो और डिवाइड हो, ए की पावर एम हो डिवाइड ए की पावर एन हो तो पावर क्या हो जाती है, माइनस ए की पावर एम माइनस एन। ओके, तो यहाँ पर हम पावर को माइनस कर देंगे, एक्स की पावर टू एम एज इट इज प्लस टू एन प्लस एल प्लस वन माइनस टू एम प्लस टू एन प्लस टू। ओके, नेक्स्ट स्टेप में हम इस ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे, एक्स एज इट इज 2m प्लस 2n प्लस एल प्लस 1 माइनस, जब ब्रैकेट ओपन होगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, 2m माइनस प्लस माइनस 2n माइनस प्लस माइनस 2। ओके, नेक्स्ट 2m माइनस 2m क्या हो जाएगा, कैंसिल, और प्लस का 2n माइनस का 2n भी कैंसिल हो जाएगा, l एज इट इज और प्लस 1 और माइनस 2, प्लस माइनस माइनस होता है तो 2 में से 1 माइनस किया तो माइनस 1, क्योंकि डिजिट जो है माइनस वाली बड़ी है। ओके, तो x की पावर l माइनस 1, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।